दर्शकों के लिए जरूरी सूचना। फर्स्ट ट्रैक के वार्ड भ्रमण कार्यक्रम के तहत कल गुरुवार को हमारी टीम रिपोर्टर प्रिंस परमार के नेतृत्व में नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 1 में सुबह लगभग 8:30 बजे से 10:30 बजे तक तथा वार्ड नंबर 5 में सुबह लगभग 11 बजे से लगभग 1 बजे तक भ्रमण पर रहेगी और लोगों से बातचीत कर वार्ड के विकास और जरूरतों के बारे में जानेगी। सभी दर्शकों से अपील है कि इस कार्य में सहयोग प्रदान करें और अपने वार्ड की समस्याएं कैमरे के सामने जरूर बताएं। इस तय समय में आप हमारे रिपोर्टर को फोन करके उसकी लोकेशन पूछकर उसके पास वार्ड में पहुंचें, अपनी समस्या के बारे में जरूर बताएं। हमारे रिपोर्टर का मोबाइल नंबर 7733-95-99-09 है। धौलपुर में खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा चंबल नदी का जलस्तर, प्रशासन ने किया अलर्ट जारी। हाड़ौती क्षेत्र में लगातार हो रही बरसात और काली सिंध डैम से पानी छोड़ने के बाद आज बुधवार को धौलपुर में चंबल नदी उफान पर आ गई है। फिलहाल चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, इसे लेकर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। उन्होंने पटवारी, ग्राम सचिव व गिरदावर आदि को लगातार निचले इलाकों में बसे गांव में निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। सिंचाई विभाग धौलपुर के जेएन सियाराम ने बताया कि काली सिंह डैम से पानी छोड़ने और लगातार हो रही बरसात से धौलपुर जिले में चंबल नदी का जल स्तर बढ़ गया है। आज सुबह 8 बजे चंबल नदी का जल स्तर 130.30 मीटर मापा गया, जो 11 बजे बढ़कर 131 मीटर हो गया। जेईएन ने बताया कि दोपहर 12 बजे चंबल नदी का जल स्तर बढ़कर 131.30 मीटर तक पहुंच गया, जो कि शाम तक स्थिर रहा। धौलपुर में चंबल नदी का खतरे का निशान 130.79 मीटर पर है। पानी फिलहाल चंबल नदी धौलपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, इसे लेकर जिला प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। धौलपुर सहित लगभग पूरे जिले में सुबह से बरसात का दौर जारी। उर्मिला सागर बांध में हुई सबसे अधिक बरसात। कई दिनों के इंतजार के बाद आज बुधवार अल सुबह 5 बजे से धौलपुर शहर सहित लगभग पूरे जिले में बरसात का दौर शुरू हुआ, जो देर शाम तक रुक रुक कर जारी रहा, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली और मौसम सुहाना हो गया। हालांकि बरसात से धौलपुर शहर की सड़कों पर भारी पानी आया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। सिंचाई विभाग धौलपुर के जेएन सियाराम से मिली जानकारी के अनुसार जिले में सबसे अधिक बरसात 100 mm उर्मिला सागर बांध में दर्ज की गई, वहीं सबसे कम बरसात 31 mm बसेड़ी में दर्ज की गई। जेएन सियाराम ने बताया कि धौलपुर शहर में 42 mm, बाड़ी में 36, आंगई बांध में 43, तालाब शाही में 43, सेपऊ में 53, बसेड़ी में 31 तथा राजा खेड़ा में 65 mm बरसात दर्ज की गई। आज सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक 5-6 घंटे लगातार बारिश होने से किसानों को बहुत राहत मिली और हमारे धौलपुर शहर का मौसम बड़ा सुहाना हो गया है और इससे किसानों की फसलें भी बहुत अच्छी होंगी, खास करके बाजरा। कथित रूप से तेजाब डालकर महिला पर किया जानलेवा हमला। धौलपुर जिले के सेपा उपखंड के कोलारी थाना क्षेत्र से कथित तौर पर एक महिला पर तेजाब डालकर जलाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार कोलारी थाना क्षेत्र के गांव परुआ निवासी गुड्डी पत्नी बसंता ठाकुर उम्र 40 साल पर कुछ अज्ञात लोगों द्वारा तेजाब डालकर जला दिया गया। बताया जा रहा है कि पीड़िता रात में अपने घर सो रही थी, तभी देर रात कुछ अज्ञात लोग वहां आए और पीड़िता पर तेजाब डालकर उसे जला दिया, जिसके तुरंत बाद परिजनों ने पीड़िता गुड्डी को जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती करवाया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण जिला अस्पताल से चिकित्सकों ने उसे रेफर कर दिया। इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। इस पूरे घटनाक्रम में पीड़िता के बयानों के आधार पर कोलारी थाना प्रभारी भंवर सिंह का कहना है कि पीड़िता पर तेजाब नहीं बल्कि मिट्टी का तेल डालकर जलाने की कोशिश की गई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मेरा नाम गुड्डू संतोष, कल्ला कुलदीप, आकाश, गोविंदा संतानता और मुकेश। कितने बजे की घटना है ये?
12 बजे 12:30 बजे की घटना रात की। जीवान चिल्ड्रन हॉस्पिटल धौलपुर की बाल कल्याण समिति ने शुरू की जांच। बच्चों को समय पर उपचार नहीं देने का मामला। बाल कल्याण समिति धौलपुर को एक नई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें जीवान चिल्ड्रन हॉस्पिटल धौलपुर की शिकायत की गई है, जिसमें बताया गया कि वहां पर नर्सिंग स्टाफ एवं डॉक्टर द्वारा बच्चे का समय पर उपचार नहीं किया गया था, इसलिए बच्चे की हालत गंभीर हो गई। इस शिकायत पत्र के चलते बाल कल्याण समिति धौलपुर ने जांच प्रारंभ कर दी है। जांच के लिए स्वयं बाल कल्याण समिति अध्यक्ष रवि पचौरी व सदस्य गिरीश गुर्जर एवं नरगिस शरीफी निजी चिकित्सालय जीवान चिल्ड्रन हॉस्पिटल पहुंचे। बाल कल्याण समिति अपने स्तर पर मामले की संपूर्ण जांच कर रही है। वहीं अस्पताल के डॉक्टर नीरज त्यागी द्वारा भी आज एक शिकायती पत्र दिया गया, जिसमें उसने बताया कि कुछ उपद्रवी लोगों द्वारा आईसीयू वार्ड के शीशे तोड़े गए। उस समय पर आईसीयू में कई शिशु भर्ती थे। बाल कल्याण समिति धौलपुर के अध्यक्ष रवि पचौरी ने बताया कि मामले को लेकर बाल कल्याण समिति निष्पक्ष जांच कर रही है, जांच के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। दोनों पक्षों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने अपने सबूत प्रस्तुत करने का समय दिया जाएगा। आवश्यकता पड़ी तो बाल कल्याण समिति इस मामले की जांच के लिए स्पेशल कमेटी गठित करेगी। भाजपा युवा मोर्चा धौलपुर के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर फूंका शिक्षा मंत्री का पुतला। आरएएस भर्ती परीक्षा में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के परिजनों के चयन को लेकर भाजपा युवा मोर्चा धौलपुर के कार्यकर्ताओं द्वारा आज बुधवार को कलेक्ट्रेट धौलपुर पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का पुतला फूंका गया और प्रदर्शन किया गया। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का कथित आरोप है कि आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस भर्ती परीक्षा में राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा अपने रिश्तेदारों को फर्जी बाड़ा कर चयन किया गया है। प्रदर्शन को लेकर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सुबह से ही सर्किट हाउस के बाहर एकत्रित होना शुरू हो गए थे। वहां से रैली के रूप में जिला कलेक्टर धौलपुर पहुंचे, जहां नारेबाजी की और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया। इस दौरान भाजयुमो जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह घुरिया ने बताया कि शिक्षा मंत्री की पुत्र वधू एवं उनके भाई बहन के साक्षात्कार में 80-80 नंबर आए हैं, जबकि उनके लिखित परीक्षा में अंक कम हैं। ये चयन प्रक्रिया में हुई धांधली की ओर इशारा करता है। युवा नेता राहुल जाट ने बताया कि कांग्रेस देश में भ्रष्टाचार की जननी है, जो अपने शासन में भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित करती है। परीक्षा परिणामों में धांधली कर कांग्रेस ने देश के युवाओं के साथ धोखा किया है, जिसका भाजपा युवा मोर्चा विरोध करता है और मांग करती है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो तथा शिक्षा मंत्री अपना त्याग पत्र दे। युवा नेता अमन गोयल ने बताया कि जब तक जांच नहीं होती, युवा मोर्चा सड़क से लेकर विधानसभा तक आवाज उठाएगी और वो आवाज आने वाले चुनाव में ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। इस दौरान कमल सिंघल, राज तोमर, आदेश भटनागर, हर्ष उपाध्याय, अनमोल बंसल आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जिला कलेक्टर पर गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका है। उन्होंने आरपीएससी बोर्ड के अंतर्गत जो धांधली की है, आरएएस परीक्षा में अपने रिश्तेदारों को साक्षात्कार में अधिक अंक देकर के उनको पास कराना, इस तरह की व्यवस्थाएं जो की है, उसके खिलाफ युवा मोर्चा पूरे राजस्थान में प्रदर्शन कर रहा है। आने वाले समय में युवा मोर्चा इनसे इस्तीफा मांगता है शिक्षा मंत्री से, एवं सीबीआई जांच की मांग करता है सरकार से। राज्यपाल के माध्यम से हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, सरकार से मांग है कि इस विषय में सीबीआई जांच हो और युवाओं के साथ सरकार न्याय करे। इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। वन टच कार वाइक शैम्पू से अब अपने वाहनों की धुलाई कीजिए और निरंतर वाहन की चमक को बनाए रखिए, वो भी आपके बजट में। साथ ही हमारे अन्य उत्पाद वन टच हैंड वॉश, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर एवं धूप बत्ती भी उपलब्ध है। आज ही घर पर प्राप्त करने के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर 8279-27-1243 पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए प्रोडक्ट मंगवाएं। ऑर्डर के दूसरे दिन प्रोडक्ट आपके घर उपलब्ध हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटरशिप और डीलरशिप के लिए भी संपर्क करें। पता आगरा जगनेर मार्ग
नगला कमाल खीरागढ़ आगरा। धौलपुर जिले में पहली बार अब एक ही छत के नीचे देश की तीन बड़ी नामी व विश्वसनीय कंपनियों सिंपोलो, बनबोरा व जॉनसन की टाइल्स उपलब्ध। टाइल्स की हर रेंज और हर तरह की टाइल्स मौजूद। एक बार शोरूम पर आओगे तो टाइल्स पसंद कर जरूर ले जाओगे। सभी तरह का सैनिटरी सामान भी उपलब्ध। कोरोना गाइडलाइन, लॉकडाउन व अन्य विशेष परिस्थितियों में व्हाट्सएप पर टाइल्स की कैटलॉग प्राप्त करें और टाइल्स पसंद करने के बाद होम डिलीवरी पाएं। एक से एक सुंदर व टिकाऊ एवं मनपसंद टाइल्स आपको उचित कीमत पर मिलेगी। एक बार जरूर पधारें। जय दुर्गे इंटरप्राइजेज, आनंद नगर, शैपुर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9950518818। प्रोपराइटर कृष्णवीर सिंह उर्फ कल्ला परमार, ममोधन वाले। धर्म प्रेमी युवाओं ने कलेक्ट्रेट धौलपुर पर फूंका विधायक रामकेश मीणा का पुतला। राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। आमागढ़ किले पर लगे भगवा झंडे को उतारे जाने के विरोध में आज बुधवार को धर्म प्रेमी युवाओं द्वारा राज्यपाल के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर धौलपुर नरेंद्र कुमार वर्मा को ज्ञापन दिया गया। साथ ही कलेक्ट्रेट धौलपुर पर पंडित राजकुमार शर्मा के नेतृत्व में विधायक रामकेश मीणा का पुतला फूंका गया। इस दौरान रामकुमार ने कहा कि एक कांग्रेस समर्थित निर्दलीय विधायक की मौजूदगी में जयपुर के आमागढ़ किले पर लगा भगवा झंडा गिरवा दिया गया, जिसके बाद विधायक रामकेश मीणा द्वारा दलील दी जा रही है कि आमागढ़ किला मीणा समाज का है तो क्या भगवा ध्वज मीणा समाज का नहीं है, और उनको अगर कोई आपत्ति थी तो ध्वज को पूरे सम्मान से नीचे उतारना था। ज्ञापन में कहा कि भगवा ध्वज सनातन धर्म का प्रतीक है, इस प्रकार भगवा ध्वज अपमानित करने पर उचित कार्यवाही की जाए। इस दौरान एक पार्षद प्रतिनिधि अजीम खान ने कहा कि किसी भी धर्म का अपमान हम भारतीय सहन नहीं करेंगे। हम हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। जो घटना रामकेश मीणा द्वारा की गई है उसकी कड़ी निंदा की जाती है एवं उनके ऊपर कार्यवाही की मांग करते हैं। इस दौरान पार्षद प्रतिनिधि अवधेश यादव, पार्षद इमरान कुरैशी, पार्षद विवेक कुशवाहा, पार्षद अनिल धारिया, रोहित शर्मा आदि मौजूद रहे। जो अपने माननीय विधायक रामकेश मीणा जी है, उन्होंने गलता जी के अमावड़ पहाड़ों से जो भगवा ध्वज का झंडा लहरा रहा था उस भगवा ध्वज के झंडे को उन्होंने गलत तरीके से उस भगवा ध्वज के झंडे को तोड़ा है और तोड़कर फेंका है। ये समस्त हिंदू का अपमान हुआ है और इस अपमान को भारत देश की जनता, चाहे वो किसी भी धर्म जाति विशेष से हम सब भारतीय हैं, उस अपमान को सहन नहीं करेंगे। खान और मोना पार्षद प्रतिनिधि नगर परिषद धौलपुर। मैं माननीय श्री विधायक रामकेश मीणा जो कि भगवा झंडे का उन्होंने अपमान किया है उस पर मैं कड़ी निंदा करता हूँ, क्योंकि धर्म सब एक है उसमें अपमान हम सहन नहीं करेंगे। हम ईंट से ईंट बजा देंगे, तख्त से तख्त बदल देंगे। रामकेश मीणा मुर्दाबाद। रामकेश मीणा मुर्दाबाद। चतुर्मास के लिए जैन धर्मशाला धौलपुर में हुई मंगल कलश की स्थापना। आचार्य श्री विनम्र सागर महाराज की परम योग्य शिष्या विमल श्री माताजी संसक के चतुर्मास के लिए आज बुधवार को जैन धर्मशाला धौलपुर में मंगल कलश की स्थापना की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रमुख समाज सेवी शैलेंद्र सिंह बोहरा रहे। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सभी को प्रवेश दिया गया। विमल श्री माताजी ने चतुर्मास कलश स्थापना समारोह के अवसर पर प्रवचन देते हुए बताया कि चतुर्मास की स्थापना प्राणी मात्र की रक्षा के लिए की जाती है। चार माह वर्षा होने के कारण चारों ओर हरियाली एवं सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इससे साधु एक ही स्थान पर ठहर कर अपनी धर्म साधना के साथ ही श्रावण एवं श्रद्धालुओं का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने के लिए विभिन्न धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से धर्म प्रभावना करते हैं। उन्होंने बताया के अच्छे परिणामों वाले जीव होते हैं जो इस पवित्र महीने में धर्म ध्यान कर लेते हैं। अर्थ के साथ ही परमार्थ भी बहुत जरूरी हुआ करता है। नाम के लिए दान या धर्म आदि नहीं करना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव वह करते हैं जो नाम यश कीर्ति की चाह के बिना अपने सर्वस्व न्योछावर करने को आतुर प्रतीत होते हैं। इस अवसर पर जैन समाज के महिला पुरुष मौजूद रहे। महाराजा अग्रसेन जी के नाम से होगा हिसार अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम। गोपाल शरणगर
धौलपुर निवासी प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग व राष्ट्रीय उप महामंत्री प्रेम मंगल ने जताया आभार। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अग्रोहा में 15-16 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग की अध्यक्षता में हुई। बैठक में हिसार एयरपोर्ट का नाम अग्रवंश के कुल प्रवर्तक भगवान श्री राम के वंशज युग पुरुष भगवान श्री अग्रसेन जी के नाम से किए जाने बाबत सर्वसम्मति के लिए गए निर्णय के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा श्री अग्रसेन जी के नाम किए जाने पर देश के 10 करोड़ अग्रबंधुओं ने हर्ष व्यक्त किया। साथ ही मुख्यमंत्री का हृदय से धन्यवाद देते हुए हार्दिक आभार व्यक्त किया। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय उप महामंत्री प्रेम मंगल ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग के साथ अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का एक प्रतिनिधि मंडल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से मिलकर समाज हित में लिए गए निर्णयों के संबंध में अपना मांग पत्र सौंपा था, जिस पर मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार द्वारा हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा श्री अग्रसेन जी के नाम करने की घोषणा की। इस घोषणा पर पूरे देश के सभी प्रांतों सहित पूर्वी राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष गिरीश गर्ग एवं उनके सभी पदाधिकारियों सहित जिला अध्यक्ष की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग का हार्दिक आभार व्यक्त किया। पैसिटेम बारिश ने फिर खोली राजाखेड़ा कस्बे में विकास के दावों की पोल, घरों में घुसा पानी। राजाखेड़ा कस्बे में आज बुधवार को सुबह 9 बजे से ही बारिश शुरू हो गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत भी मिली। वहीं दूसरी ओर घरों में पानी भरने से लोगों को दिक्कतें भी हुई, जिससे आज फिर एक बार विकास के दावों की पोल खुल गई है। मानसूनी बारिश में आज फिर राजाखेड़ा के विकास के दावे चौपट होते नजर आए। बारिश में कस्बों में घरों में पानी घुसने लगा और सड़क के दरिया बन गई। पानी भरने से स्थानीय लोगों को समस्याएं आने लगी। लोगों का आरोप है कि पानी ने विकास के कस्बे में कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। हर बार नाले नालियों में पोखरों के नाम पर करोड़ों खर्च होते आए हैं, लेकिन अभी तक नगर पालिका कोई ठेस प्रबंध नहीं कर पाई है। विकास के झूठे दावे किए जाते रहे हैं। कस्बे में तालाब भी थे जहाँ अभी तक बारिश का पानी नाले नालियों के जरिए जमा होता जाता था, परंतु अब तो वे भी नहीं है। राजनीतिक शह के चलते प्रभावशाली लोगों ने आधे से ज्यादा तालाबों पोखरों को अतिक्रमित कर दिया है और उन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर डाला है, जिसके कारण बारिश का पानी घरों में घुसने लगता है और कस्बे के लगभग सभी गलियों में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। यह हालात किसी जगह के नहीं है, बल्कि राजाखेड़ा कस्बे की पीर की रोड, हाट मैदान, बिचोला रोड, नाहिला रोड, मुख्य बाजार एवं अन्य कई ऐसी जगह है जहां बाढ़ के हालात बन जाते हैं। रिपोर्ट श्रीकांत शर्मा, राजाखेड़ा। सेपऊ में बरसात से निचले इलाकों में भरा पानी। बुधवार को सेपऊ क्षेत्र में अल सुबह से ही बारिश का दौर जारी रहा। लगातार सुबह से शाम तक रिमझिम बारिश के दौर से तापमान में भारी गिरावट आई है। सुहावना मौसम होने से लोगों में उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत की सांस ली, लेकिन बारिश से कई जगह निचले इलाकों में पानी भर गया। सेपऊ पंचायत समिति के खपरेल स्थित राजकीय विद्यालय में वर्षा के पानी से बरामदे व कमरे लबालब हो गए हैं। विद्यालय के शारीरिक शिक्षक हरगोविंद शर्मा ने बताया कि विद्यालय में पानी भरने से स्टाफ को काफी परेशानी हुई है। वहीं कमरों में रखी शिक्षण सामग्री सहित फर्नीचर आदि को भी नुकसान होने की आशंका सता रही है। उधर नौरहा गांव के राजकीय विद्यालय के भवन में पानी भर गया। नौरहा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य राघवेंद्र मीणा व व्याख्याता सुरेंद्र चंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्यालय को क्रमोन्नत कर सरकार ने उच्च माध्यमिक का दर्जा तो दे दिया है, लेकिन पर्याप्त भवन नहीं होने के कारण यहां प्राइमरी विद्यालय के भवन में ही उच्च स्तरीय कक्षाएं चलाने के लिए विवश होना पड़ रहा है। वहीं गांव में बारिश तथा घरों से निकलने वाले गंदे पानी का समुचित विकास नहीं होने के कारण घरों से निकलने वाला दूषित पानी तथा बरसात का पानी विद्यालय के भवन में प्रवेश कर गया है। नौरा पंचायत का ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल सबसे बड़ा स्कूल है,
कहने को तो ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग भी नहीं है। जो बिल्डिंग है वो भी बहुत क्षतिग्रस्त है और बहुत नीची पड़ गई है, तो इसमें बरसात थोड़ी सी भी बरसात होती है तो पानी पूरी तरह से भर जाता है। और स्कूल के अंदर जो भी सामग्री है, पाठ्य पुस्तक हैं, फर्नीचर है, वो भी डैमेज होने का खतरा रहता है। आज जैसे ही विद्यालय खोला अध्यापकों ने, तो ये पूरा प्रांगण भरा हुआ था पानी का। अध्यापकों ने खुद मेहनत करके बाल्टियों से इस पानी को बाहर निकाला है। इस पानी के निकल गर्मियों के कपड़ों का स्पेशल और नया कलेक्शन खरीदिए ऑफर में। ब्लैकबेरी, एनएल सोली, पीटर इंग्लैंड, प्यूमा आदि ब्रांडेड कंपनियों की टी शर्ट, जीन्स शर्ट आदि उचित दाम पर उपलब्ध हैं। अलग अलग कंपनियों के कपड़ों पर अलग अलग प्रतिशत में छूट ऑफर। इसके अलावा बच्चों के कपड़े, फ्रॉक, नेकर, टी शर्ट, पार्टी वियर कपड़े भी उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी धौलपुर। द राइट प्लेटफॉर्म फॉर योर चाइल्ड, एवीएम कॉन्वेंट स्कूल। आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य व सर्वांगीण विकास के लिए सुनहरी चाबी है, जो आपके बच्चों के लिए सफलता के द्वार खोलती है। सभी सुविधाओं से परिपूर्ण एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, जहां ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, कैंप्स, बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा, एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। जी हां, हर बात में बेहतर, आपका अपना स्कूल एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, घंटा घर रोड, धौलपुर, राजस्थान। एडमिशन ओपन नर्सरी से कक्षा 12 तक। हल्ला बोल सामाजिक जन सरोकार मंच द्वारा किया गया संगोष्ठी का आयोजन। मचकुंड धाम को श्री कृष्ण सर्किट में शामिल करवाने पर की चर्चा। हल्ला बोल सामाजिक जन सरोकार मंच धौलपुर द्वारा मंच प्रमुख एडवोकेट प्रमोद शर्मा के नेतृत्व में श्री राधा कृष्ण आश्रम दद्दा जी का आश्रम मचकुंड रोड धौलपुर बैठक आयोजित की गई, जिसमें अपने पवित्र तीर्थ स्थल मचकुंड धाम को केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत श्री कृष्ण सर्किट में शामिल करवाने के लिए चलाई जा रही मुहिम को जन आंदोलन का रूप देने के लिए चर्चा की गई। बैठक में सामाजिक, राजनीतिक, गैर राजनीतिक छात्र संगठनों ने हिस्सा लिया। पूर्व प्रधान मोनू जादौन ने लोकेश राजपूत व संतोष त्यागी को माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर बधाई व शुभकामनाएं दी, साथ ही दोनों का जन्मदिन भी मनाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंच प्रमुख एडवोकेट प्रमोद शर्मा ने बताया कि मंच द्वारा अपने पवित्र तीर्थ स्थल को श्री कृष्ण सर्किट में जुड़वाने के लिए जो मुहिम चलाई गई है, वो कोरोना काल की वजह से बाधित हुई थी, उसे पुनः सुचारू रूप से शुरू करने और इस मुहिम को जन आंदोलन रूप देने के लिए आज इस बैठक का आयोजन किया गया है। साथ ही आज मंच के सदस्य लोकेश राजपूत व कांग्रेस नेता संतोष त्यागी के जन्म दिवस के अवसर पर मंच द्वारा पौधारोपण का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। गिरीश उपमन्यु ने मंच द्वारा श्री कृष्ण सर्किट मुहिम के लिए अब तक किए गए कार्यों का विचरण बताया। पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष प्रशांत हुंडवार प्रिंस ने कहा कि हम सबको जिला कलेक्टर से मुख्यमंत्री के नाम प्रस्ताव भेजने के लिए मिलना चाहिए। मंच सदस्य लोकेश राजपूत व यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव संतोष त्यागी ने अपने जन्म दिवस पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मंच का आभार व्यक्त किया। मैं संतोष त्यागी, प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस राजस्थान। आज मेरा जन्मदिन है, तो इस अवसर पर मेरे बड़े भाइयों द्वारा और हल्ला बोल टीम के द्वारा ये आह्वान किया गया, मुझे आमंत्रित किया गया। मुझे फ़ोन के माध्यम से सूचना दी गई कि आप पेड़ लगाओ, क्योंकि उनकी मुहिम धौलपुर ज़िले में काफ़ी दिनों से है। अगर किसी का धौलपुर ज़िले वासी हो, युवा का, चाहे वृद्ध हो, चाहे महिला हो, चाहे हमारी बहनें हो, किसी का भी हो जन्मदिन हो, तो केक न काट कर एक वृक्ष लगाएं। आज हमारे हल्ला बोल जन सरोकार मंच के मुख्य स्तंभ लोकेश राजपूत जी का जन्मदिन है। जैसा कि हम पूर्व में अपने जन्मदिन या शादी की सालगिरह वगैरह पर हमने जैसे आह्वान किया है वृक्षारोपण करने का, उसी क्रम में आज हमारे लोकेश राजपूत जी द्वारा वृक्षारोपण 5 पौधे लगाकर वृक्षारोपण किया गया।
सशक्त बूथ मजबूत मंडल से भाजपा बनेगी, अजय सत्येंद्र पाराशर। कष्टपाड़ा में भाजपा कोठी मंडल धौलपुर की बैठक हुई संपन्न। भाजपा कोठी मंडल धौलपुर की कार्य समिति की बैठक का आयोजन आज बुधवार को कायस्थपाड़ा हनुमान मंदिर पर किया गया। बैठक के मुख्य अतिथि भाजपा के जिला महामंत्री सत्येंद्र पाराशर ने कहा कि संगठन को बूथ लेवल तक सशक्त बनाना होगा, जिसके लिए शक्ति केंद्र प्रभारी, बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, कार्यकर्ताओं का गठन करना होगा और उनसे निरंतर संपर्क बनाते हुए विषयों पर चर्चा करनी होगी। पार्टी पूरे वर्ष भर जनता के बीच रहती है। जिला महामंत्री सत्येंद्र पाराशर ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को केंद्र की मोदी सरकार के लोक कल्याणकारी कार्यों को जनता के बीच पहुंचाने का कार्य करना है। मोदी सरकार आम जनता की सरकार है। प्रदेश कार्य समिति के सदस्य विशंबर दयाल शर्मा ने बताया कि पन्ना प्रमुख को सशक्त बनाते हुए बूथ को संगठित करना होगा। जिला उपाध्यक्ष राजीव रस्तोगी ने बूथ को संगठित करने के लिए सुझाव दिए। कार्य समिति की बैठक में जिला उपाध्यक्ष राजीव रस्तोगी, कोठी मंडल महामंत्री हेम सिंह बघेला, मंडल महामंत्री मंगल सिंह परमार, नगर मंत्री अशोक पचौरी, मुकेश राणा उपाध्यक्ष, राम शर्मा नगर मंत्री, शहर मंडल महामंत्री मुकेश सक्सेना आदि मौजूद रहे। राघव शर्मा पुत्र मनोज कुमार शर्मा निवासी मुकंदापुरा बदरेठा बाड़ी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। माला रेखा शर्मा, भाई प्रमोद शर्मा, नीरज, अश्विनी, अभी, बहन सोनम शर्मा, रोहिणी, गुंजन, वंदना, शिखा, दादा ओम प्रकाश शर्मा व दादी किरण देवी की ओर से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। बसेड़ी पुलिस ने 5 साल 0R4 स्थायी वारंटी किए गिरफ्तार। जिले की बसेड़ी थाना पुलिस ने स्थायी वारंटियों की धरपकड़ अभियान के तहत 4 जनों को गिरफ्तार किया है। यह सभी 5 साल से फरार चल रहे थे। थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि राम निवास पुत्र मुंशी ठाकुर, रामकरण पुत्र चौधरी सिंह ठाकुर, जनक सिंह पुत्र जुलाहन सिंह ठाकुर व सुरेंद्र पुत्र विजय सिंह ठाकुर सभी निवासी खड़िया बीहड़ थाना सिहोनिया जिला मुरैना मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया गया है। कार्यवाही के दौरान टीम में सहायक उप निरीक्षक जगदीश प्रसाद, कांस्टेबल मुकेश कुमार, चरण सिंह, कोमल सिंह, दयाराम, मुकेश कुमार व घनश्याम शामिल रहे। सरमथुरा कस्बे में विद्युत पोल में आए करंट की चपेट में आने से भैंस की मौत। सरमथुरा कस्बे की धोबी पाड़ा की है घटना। भैंस मालिक विष्णु शर्मा ने की मुआवजे की मांग। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बुन्ना का पड़ा बिश्नौदा धौलपुर में किया गया पौधारोपण। पीईओ रमेश चंद्र सिंसिनवार रहे मुख्य अतिथि। सरपंच राजेश्वरी सिंसिनवार ने की अध्यक्षता। 121 पौधे लगाकर ली नियमित देखभाल की जिम्मेदारी। युवा शक्ति जाटव महासंघ धौलपुर के पदाधिकारियों ने पौधारोपण कर लिया 1000 पौधे लगाने का संकल्प। जिला अध्यक्ष रविन्द्र मौर्य की पहल पर पदाधिकारियों ने जिला ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर पौधे लगाने का लिया निर्णय। उपाध्यक्ष मुकेश कुमार, महासचिव सुरेंद्र सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष राजा खेड़ा सतीश चंद आदि रहे मौजूद। बारिश में भी धौलपुर में कोरोना वैक्सीन के लिए उमड़ी भीड़। भार्गव वाटका एवं बड़ा पीर मदरसा धौलपुर में रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वाधान में हुआ वैक्सीनेशन। पार्षद आजाद उस्मानी, किशन सिंह कुशवाहा, रेड क्रॉस के सचिव संजीव श्रीवास्तव, विमल भार्गव सहित अन्य लोग रहे मौजूद। बसेड़ी कस्बे के कई इलाकों की 12 घंटे ठप रही विद्युत आपूर्ति, आमजन परेशान। बारिश व फॉल्ट बनी रही समस्या की वजह। बसेड़ी के नगला दरवेसा, नया मोहल्ला, जाटव बस्ती, तिवारी थोक, पोकरा मोहल्ला, हरजन बस्ती, ब्रजफलपुरा, पेपरौन, तुलसीपुरा आदि क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति सुबह से शाम तक रही ठप। क्या आप किस्तों पर लैपटॉप व मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं? तो जल्दी आइए धौलपुर जिले के सबसे बड़े और सबसे विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक शोरूम वैल्यू प्लस पर और खरीदिए मनपसंद HP के लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन, वो भी आसान किस्तों पर। इसके अलावा हमारे यहाँ सभी ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक आइटम एक ही छत के नीचे आसान किस्तों में मिलते हैं, जिसमें AC, TV, Android TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि। एक बार जरूर पधारें वैल्यू प्लस शोरूम, 132 KV बिजली घर के सामने, वाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर अतुल बंसल, 9416462846। धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने
तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब